हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक एंड ऑफ कोर्स ये एक ट्रेडिशनल लुक भी है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प होगा, बिकॉज अभी शादी का सीज़न है और आप लोग किसी ना किसी शादी में गेस्ट होकर जाओगे ही। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और उसके बगल पर जो इतू सा बेल बटन है आप उसे भी प्रेस कर दिया है ताकि मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो चलिए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैं यहाँ पर आईब्रो से स्टार्ट करूँगी, तो आईब्रोज को मैं फिल करूँगी वेट एंड वाइल्ड आईब्रो पेंसिल से। सो आई शेडो बेस के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी कंसीलर और उसे अपने पूरे लिड पर अप्लाई करूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे ब्लेंड करूँगी। उसके बाद कॉम्पैक्ट की हेल्प से उसे सेट करूँगी। फिर मैं वेट एंड वाइल्ड पैलेट से एक ब्राउन शेड लेकर अपनी ट्रांजिशन कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा कलर लूँगी, थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करूँगी। फिर मैं सेम कंसीलर से कट क्रीज ड्रॉ करूंगी और एक ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड करूंगी। उसके बाद मैं एक पैलेट से ग्रीन शेड लेकर स्मजर ब्रश की हेल्प से अपनी आउटर वी और इनर वी पे अप्लाई करूंगी और उसे थोड़ा सा क्रीज लाइन पे भी अप्लाई करूंगी। फिर से मैं कंसीलर से मिड आईलिड पर कट क्रीज ड्रॉ करूंगी ताकि गोल्डन शेड अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद मैं एक पैलेट से फिंगर की हेल्प से गोल्डन शेड को मिड आईलिड पर अप्लाई करूंगी। इसे मैं ग्रीन शेड लेकर थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी ताकि कोई हार्श एजेस ना रहे। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ करूँगी लैकमी इंस्टा आईलाइनर और उससे मैं एक विंक आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैकमी की प्राइमर और उसे अपनी फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और उसे ब्लेंड करूँगी। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन और उसे अपने पूरे फेस पर, नेक पर डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी और सेम ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ब्लेंड करूँगी। कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी कंसीलर और उसे अपनी यूजुअल प्लेसेस पे अप्लाई करूँगी। और उसके बाद मैं कॉन्टोर के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड कॉन्टोर स्टिक और उससे अपनी फेस को कॉन्टोर करूँगी। उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड करूँगी कंसीलर को भी और कॉन्टोर को भी। फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर और उसे एक ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस और नेक को सेट करूँगी और एक ब्यूटी ब्लेंडर से भी थोड़ा सा मैं सेट कर लूँगी अच्छी तरह से। उसके बाद मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ ग्लैम 21 की। उसके बाद मैं फिर से आई मेकअप करूँगी, तो यहाँ पर मैं वेट एंड वाइल्ड की काजल यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं सेम ग्रीन कलर से काजल को स्मच कर रही हूँ।
आईलेस कलर की हेल्प से आईलेसेस को कर्ल करूंगी और ऑफ कैमरा में मैं फॉल्स लैसेस भी अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड की मस्कारा यूज कर रही हूँ और एक शैडो पैलेट से सिमरी सेट लेकर अपने इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन को हाईलाइट करूंगी। फिर मिस रोज की ब्लश यूज करूंगी अपनी एप्पल सब चीक्स पे या थोड़ा सा नोज पे। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड की मेगा ग्लो हाइलाइटर यूज करूंगी अपनी यूजुअल प्लेसेस पर। लिपस्टिक के लिए मैं यूज करूंगी हुडा ब्यूटी लिक्विड लिपस्टिक और ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी प्यारा सा एक रेड शेड है। इस लुक के साथ रेड शेड बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस लुक के साथ रेड शेड ही अप्लाई कर रही हूँ। फिर से मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज करूंगी ग्लैम 21 की और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे ब्लेंड करूंगी। सो गाइज मेकअप तो कंप्लीट है। अब हेयर स्टाइल के लिए मैं यहाँ पर फ्रंट में पफ और पीछे मेसी बन बनाई हूँ। ज्वेलरी के लिए मैंने यहाँ पर सारे गोल्डन कलर की ज्वेलरी पहनी हूँ क्योंकि इस लुक के साथ इस तरह की ज्वेलरी ही अच्छी लगती है। और इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं एक नोज रिंग भी पहनी हूँ। सो दैट्स ऑल। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल मेकअप लुक और इस लुक को मैरिड या अनमैरिड कोई भी कर सकता है। अगर मैरिड है तो उसे सिर्फ अप्लाई करना है सिंदूर एंड दैट्स ऑल। और मुझे ये लुक पर्सनली बहुत पसंद आया है। अगर आपको भी आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मैं मिलती हूँ आपसे कोई ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।